वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। अब सबसे पहले समझ लेते हैं हम ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए हमको पहले सेल के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा सेल होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का, सबसे छोटी इकाई जिसे बोलते हैं सेल होता है वो, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक ऑर्गन बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करेंगे तो वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये लिखा हुआ, ठीक है। तो 11 सिस्टम्स होते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में आपको 10 दिखेंगे या फिर कुछ में आपको 12 दिखेंगे, ठीक है। अगर 10 लिखे होंगे तो आपका ये लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, इसमें इतना ही रहेगा। 12वें में अगर 12th हम इसमें काउंट करूंगा तो एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, एक्सोक्राइन, ठीक है। वैसे नॉर्मली मेजरली बुक्स में जो लिखा जाता है वो 11 सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम भी 11 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी जो मसल्स होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मतलब इसमें हमारे सांस लेने, हम कैसे सांस ले रहे हैं, हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक काम कर रहे हैं जिससे हम सांस ले पा रहे हैं और सांस छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पा रहे हैं। थर्ड सिस्टम आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब कि पाचन तंत्र, वो वाला सिस्टम, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं वो कैसे पचता है, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, वो सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आई से इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री मतलब स्किन के बारे में पढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है, हमारा जो स्किन है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है, हमारा जो हार्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। हार्ट हमारा जो है वो ब्लड को कैसे पंप कर रहा है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद आता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है इसमें हम एंडोक्राइन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि जनन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दो चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को बहुत सारी बुक्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी लिखा जाता है। एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीट आउट, हमारा जो वेस्ट हो रहा है बॉडी में, जब हम कुछ लेते हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे हम जब खाना खाते हैं तो कुछ वेस्ट हमारा निकलता है, ठीक है, और पानी पीते हैं उससे वेस्ट निकलता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो सारा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसमें पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम में। उसके बाद आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं उन सब के बारे में हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं, हमारी बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सब चीज़ें किसमें पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद आता है हमारा लास्ट लिम्फैटिक सिस्टम। लिम्फैटिक सिस्टम में हम बॉडी फ्लूइड्स जो होता है, लिम्फ होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिस्टम हैं। इनको याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैंने फर्स्ट वर्ड जो है मैंने इसको बोल्ड कर रखा है अलग लेटर से, अलग मार्कर से, ठीक है, ब्लू कलर से आपको वर्ड दिख रहे होंगे। तो ये है मिस्टर, एम आर मतलब मिस्टर, डाइस डी आई सी ई रन्स, मिस्टर डाइस रन्स, और एक्स्ट्रा आपको आखिरी में लिम्फेटिक सिस्टम आपको अलग से याद करना पड़ेगा। तो 10 तो आपको प्रॉपरली अच्छे से ईजी वे में याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो एम से मस्कुलर, आर से रेस्पिरेटरी, डी से डाइजेस्टिव, आई से इंटेग्यूमेंट्री, सी से सर्कुलेटरी, ई से एंडोक्राइन, आर से रिप्रोडक्टिव, यू से यूरिनरी, और एन से नर्वस, और आपका एस से स्केलेटल सिस्टम। तो ये आप इजीली मिस्टर डाइस, ये जो आपका मनीमोनिक है, इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सारे सारे सिस्टम्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।